For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. माइकल, हाँ, मेरे बेटे की तरफ देखो, अभी तो जमीन पर उगा भी नहीं है, लेकिन अभी से नजरों से समंदर की गहराई को नाप रहा है। अभी से अपनी फिशिंग कॉर्पोरेशन के बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है। और वो देखो तुम्हारा वॉकमैन लेकर नाच रहा है बंदर की तरह। बंदर होएगा तुम, भूल गया शादी से पहले बैंड बजाया करता था। और तुम भी ड्रम बजाया करते थे। Oh my God, तुमने फिर से शुरू हो गए। अरे बहन, इस तरह दिन में 10-15 बार ये लोग आपस में उलझते सुलझते नहीं ना, तब तक इन लोगों को लगता है कि दिन में हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ हाँ, ये झगड़ा तो इन दोनों की दोस्ती की पुरानी निशानी है ना। भाभी जी, ये हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ा सा खट्टा मीठा गुस्सा भी तो होना जरूरी है। यस डार्लिंग, नहीं तो घर जाके पता चला कि जैसे जैसे बाहर निकले और कुछ और किया, किया ही नहीं। अरे वो देखो शंकर कहाँ खड़ा है। डरो मत शारदा, हमारे बच्चे भी शेर की तरह शेर हैं। No.
लाल, तू ठीक तो है ना मेरे लाल? शंकर को बिजनेस में सलाह देने वाले चमचागिरी के पुतले, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी में किसी को सलाह देने के लायक ही नहीं रहेगा। मगर क्यों? मगर हम मछली बाजार में बाजार का भाव बढ़ाते हैं और तू उसे इतना नीचे गिरा देता है कि हम टूट कर नीचे गिर जाते हैं। आज तू टूटेगा और ऐसा गिरेगा कि हमारे खिलाफ बिजनेस में कभी खड़ा भी होने नहीं पाएगा। देखो कालिया, मैं तो शंकर साहब का मैनेजर हूँ। मैं बिजनेस में जो कुछ भी करता हूँ वो एक मैनेजर होने के नाते मेरा फर्ज है। तो फिर मछली के इस बिजनेस में शंकर का मुकाबला करने के लिए ये जो होने जा रहा है ये भी हमारा फर्ज है।
गोरखा चोरी किधर है? हमको नहीं मालूम साहब। तुमको मालूम नहीं चोरी किधर है? अरे हम पूछते हैं चोरी किधर नहीं मालूम साहब। बोलो, अरे बोलो, हमारा बंदूक किधर है? तुम्हारे हाथ में बंदूक है? तुमको मालूम नहीं चोरी किधर है? हमारा सही जानी किधर है? हमको कुछ नहीं मालूम साहब। मालूम नहीं? अरे हमारा लड़की के साथ लफड़ा करके गया नहीं? ये मोदा चाहिए साहब। बोलो बोलो गोरखा जी, जानी किधर? वो कुछ नहीं मालूम साहब। अयो तुमको नहीं मालूम तो किसको मालूम? वो इसको मालूम साहब। इसी का तो प्रॉब्लम है। जानी बोला हम तुम्हारा पट्टी के साथ शादी बनाएगा, अब नहीं बनाता। बोलो गोरखा जी, अब इसके साथ शादी कौन बनाएगा? उसके साथ ओम बनाएगा। तुम हमारा पट्टी के साथ शादी बनाएगा? ओए जानी ने मेरी कुड़ी नुकुम आया फिर आया और लफड़ा किता सी। हमको कुछ नहीं मालूम साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। बड़ी शादी का वादा तो मेरी बेटी के साथ किया है। कि हम हमारा लड़की को लेकर तुम्हारा लड़की का शादी होटल करने आया है? आयो तो क्या ये पंडित हम हमारा शादी के वास्ते लाया जी? गोली मार देगा। हमको छोड़ दो साहब। अगर शराय बनेगी तो मेरी बेटी के साथ बनेगी, और किसके साथ नहीं बनेगी। जोनी किधर है? हम तुमको पूछता है। अरे बहादुर क्या बात है साहब? क्या हुआ? सुबह से गालियां और कुलाड़ियां खा रहा हूँ, ये सातवां राउंड है। क्या हुआ? क्या वो अपने जानी साहब का लफड़ा साहब? वो पांच माँ बाप पांच पांच बेटियों को लेकर एकदम होलचल के हिसाब में आ गई साहब। क्यों? वो जानी साहब ने लड़कियों से शादी का वादा कर दिया था साहब। ओ माय गॉड। वो आ गया, वो आ गया, हमारा जवाई आ गया। बड़ी हमारा जवाई ये नहीं। अरे यार मेरा जवाई है क्या? तू क्या करे? खेलो खेलो, कोई भी गड़बड़ करेगा आप उसको गोली मार देगा। अरे मेरी बात सुनिए, जिस किसी का भी है जल्दी बोलिए, मुझे दूसरे ठिकाने शादी करवाने जाना। ये वो नहीं है। हाँ ये वो नहीं है। वो कौन है? ठहरो ठहरो, वो जो भी है जिधर भी है हम उसको बंदूक से मार देगा। Oh, look at him. Poor fellow. How sad. How handsome he is. Oh, no. प्यार करूंगी, जहां तू कहेगा इंतजार करूंगी।
my love, you are my love, tum mera pyar ho. You are my love, you are my love, tum mera pyar ho. हर लड़की बड़ी तेरे तो है पीछे हर लड़की बड़ी, इस टाइम तू है मुश्किल बड़ी। टाइम मुझे दे दे परमानेंट कर ले, टाइम मुझे दे दे परमानेंट कर ले, प्यार का तू मुझसे एग्रीमेंट कर ले, एग्रीमेंट कर ले। जमानो पुरा तो बताऊं, बारी बारी सबको अपनाऊं, कल होगा फिर सिलेक्शन। यस, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। अरे शंकर, तू यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे मजनू की छठी औलाद, तुझे कुछ पता है कि नहीं? यार पता है, इन सब का पता है और टेलीफोन नंबर भी है, तुझे चाहिए किसी का? मैं इन तितलियों के बारे में नहीं, उन बिजलियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो तेरे घर में घुस गई है। ओह, तो वो सब वहाँ अपने मदर फादर सेक्रेटरी ड्राइवर लोग को लेके पहुंच गए? अरे यार टाइम के बड़े पक्के है? इसका मतलब तुझे ये सब कुछ पता है? हाँ देख जॉनी, सुधर जा, अभी भी वक्त है, नहीं तो इन लड़कियों के चक्कर में घन चक्कर हो जाएगा। सर ये सब फाइलें रेडी हो गई हैं, आप इसे चेक कर लीजिए। नहीं, ये फाइलें जॉनी से चेक करवा के साइन करवा लीजिए, मैं जरा सर्वे पे होके आता हूँ। लेकिन सर आपका बोट तो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है। मुझे पता है, मैं किराए का बोट ले लूंगा। भाई जरा आते चला, अपने को जल्दी नहीं है। अरे भाई मना किया ना यार, शराब पिया है क्या? कालिया तू? हाँ मैं शंकर कालिया, न तो कभी खतरा बोल कर आता है और ना ही कालिया।
तुम्हीं ने मुझे पानी में से बचाया है। तुम बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हीं ने मुझे पानी में से बचाया है? यार बेकार में क्यों गला फाड़ रहा है? हे कूल यार, ठीक बोला वो साला बजरंगी, बिल्कुल ठीक बोला। अपुन का यार मोहब्बत के लफड़े में आ गया। फिनिश। ए मजाक छोड़ यार, अपुन उड़ती चिड़िया का पर गिन लेता है बिड़ू। देख देख, तेरा थोड़ा साफ बता देला है कि तेरे दिलो दिमाग पे किसी हसीना के हुस्न का जादू चल गया है। वो मारा, आखिर अब उनका शेर घास खाइज गया ना। कहाँ मिली थी है? समुद्र के किनारे। कैसी थी? मोटी मोटी गहरी आंखें, सोने जैसे लंबे लंबे सुनहरे बाल, फूलों जैसा मासूम और खूबसूरत चेहरा, संगे मरमर की तरह चिकना और चमकता हुआ बदन, बदन और सर से पांव तक एक भी कपड़ा नहीं। बिना, अरे बिना कपड़े का लड़की को देखता है बेशरम? तू काय को कपड़े में मिला रे? देख बिड़ो, अपुन को गोली काय को खिलाता है यार। तू जिस मैदान में अभी अभी कदम रख रहा है ना, अपुन उधर बड़ा बड़ा गोल्ड मेडल जीत चुका है। क्या ऐसा खूबसूरत लड़की इतना आसानी से नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिलीव मी।
बिलीव। उसने मेरे बदन को छुआ, बदन को छुआ, मुझे चूमा, चूमा, फिर जाने कहां चली गई। मैं इंतजार ही करता रहा पर वो वापस नहीं आई। भाई एकदम मजनू बन गया ला यार। कूल इट मैन। मामला सचमुच गंभीर है। बच्चे लोग ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये पेशावर का बंदर है, आया है बोरी बंदर, करके कीता लोग को अंदर, देख के चादर उतरा है दादर, ना इसका कोई मदर है ना फादर, ये घूमता है दर बदर, क्या दक्षिण क्या उत्तर, लेके दाल रोटी का जिकर, ये चलाता है किस्मत का चक्कर, बोलता है इंसान की औलाद है, हम बोलता है फौलाद है, ये मेरा कुत्ता है, कम भोगता है, जास्ती काटता है। देखो बंदर अभी तुमको बुढ़ा की चाल चल के बताएगा, जरा बुढ़ा बन के बताओ, जरा चल के बताओ बेटा, रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है बेटा, देखो लड़की बगैर कपड़े के, वाकई यार इसने कुछ नहीं पहना, पागल हो गया लड़की। ओ शट अप। यार जॉनी तू अपनी लड़कियों के लफड़े ऑफिस के वक्त के बाद रखा कर, देख ये सब हफ्ते भर का काम पेंडिंग में रह जाता है। देख पार्टनर अपुन 7 दिन का काम 1-8 दिन में कर लेता है, अपुन फास्ट आदमी है क्या? हाँ हाँ है मेरे भाई, अगर इसी तरह तू 7-7 लड़कियों की वजह है सिर्फ एक ही लड़की से क्यों नहीं लिपट लेता यार? वो मीना भी यही बोलता है यार। अरे दोस्त तो फिर देर किस बात की, चट मंगनी और पट ब्याह, बोल बजवा दू बैंड बाजा। हेलो यस पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन से जरूर तेरा कोई लफड़ा होगा, देख। नहीं नहीं आपका नहीं, आपका सर। मेरा फोन? यस सर। पुलिस स्टेशन से? जी सर। आर यू श्योर? श्योर सर। क्या हो रहा है? हेलो जी, जी अभी आया। हाँ हेलो इंस्पेक्टर, मेरा नाम शंकर है, मैं रेडियम फिशिंग कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ, ये मेरा कार्ड है, बैठिए। थैंक यू। यही आपका पर्स? हाँ लीजिए। अगर सर वो लड़की कहाँ है? क्या आप उसे जानते हैं? जी जी वो मेरा मतलब वो आपकी गर्लफ्रेंड है या? जी बात दरअसल ये है कि वो वो बगैर कपड़ों में पाई गई। खैर सगाराम। जी साहब। उस लड़की को लेके आओ। ठीक है।
निगाह तुम कहाँ खो गई थी? जानती हो, उस दिन से लेके आज तक ये निगाहें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही है। तुम्हें मिलने के लिए मैं ऐसे तड़प रहा था जैसे पानी बगैर मछली तड़पती है। एक वादा करो, आज के बाद मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। पीछे हट साहब। साहब ये लड़की? लड़की नहीं, ये मेरी जिंदगी है और इस घर की रौनक। अच्छा बताओ कैसी लगी ये? सुंदर है, सुशील है। तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रही है। नारंगी है इसका नाम। नमस्ते, मैं हूँ बजरंगी, बजरंग बली की पूजा करता हूँ और इस मोहब्बत की फिल्में नहीं देखता, सिर्फ धार्मिक संतों का। साहब इसने कल रात वीडियो पर एक पिक्चर देखी थी, वो क्या था? हॉट कोल्ड, मतलब कभी नरम कभी गरम। मालिक झूठ बोलती है। क्या? इससे मुझे जबरदस्ती नीचे बैठाया, मेरा कॉलर पकड़ के, और मैं डर के मारे बैठ गया कि कहीं मेरी शर्ट ना फट जाए। झूठा कहीं का? साहब एक मिनट, माफ कीजिएगा। क्या बात है? 7 साल की लगती है। क्या? मैंने कहा 7 साल की लगती है। कौन लगती है 7 साल की? वो तुझे 7 साल की बच्ची नजर आती है? अबे बेवकूफ, जाके अपनी आंखों का इलाज करवा। आप समझे नहीं, जब एक लड़की 7 साल के जाल से निकलकर 14 साल के जाल में पहुंच जाती है और एक जवान आदमी के साथ यहाँ वहां फिरे, कमरे में जाए और अगर पुलिस पकड़ ले तो जेल में 7 साल की लगती है। शर्म नहीं आती बेशर्मी की बातें करते हुए? आज शनिवार का दिन है, शर्म मायके गई है। ये है ही ऐसा, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, चलो अंदर चलते हैं। आओ। हाँ, मुझे इस घर की लक्ष्मी मिल गई। ये मेरी माँ की तस्वीर है। माँ? माँ? हाँ, मेरी माँ। देखो, अब तो मैंने तुम्हें अपनी माँ से भी मिलवा दिया। अब बता दो, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? ओ मेरी गुड़िया, किस नाम से पुकारूं मैं तुम्हें? मीना, टीना, टीना? नहीं, तुम्हारी आंखें बिल्कुल मछली के जैसी है, इसीलिए मैं तुम्हें मीनाक्षी कहूंगा। ठीक है मीनाक्षी? ये देखो दुनिया का नक्शा। अब बताओ कहां की हो तुम? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, इंडिया? बताओ किस देश की हो तुम? वैसे मोहब्बत का कोई देश, कोई मजहब, कोई जबान नहीं होती, उसके इजहार के लिए सिर्फ जरूरत होती है एहसास की। वो एहसास जो आंखों से निकलकर दिल की गहराइयों में उतर आता है और मन के मंदिर को प्यार का मंदिर बना जाता है। जॉनी, जॉनी, हे जॉनी, देखना मेरे साथ कौन आया है। अरे शंकर, तू? वो भी छोकरी का साथ, वो भी इतना खूबसूरत। पता है जॉनी कौन है ये? कौन है? अरे यार, मगर एक बात बोलता है,
अपना पटायला 100 छोकरी का ब्यूटी एक तरफ और ये छोकरी एक तरफ। ए जॉनी, ये छोकरी ऐसी वैसी नहीं है रे, ये तो मेरे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि अपुन का होने वाला भाभी। अरे मान गया दोस्त, कूल। नमस्ते भाभी जी। अरे अंदर आना यार, आज तो अपुन खुश है यार। आओ भाभी आओ। अरे खुश है बॉस। बॉस, अरे भाभी एक बात सच्ची बोलता है, तुम्हारा आने से अपुन का दोस्त का लाइफ में ट्यूबलाइट जल गया, वरना उसका घर में अंधेरा ही चंदेरा था। इसके वास्ते कभी अपुन जाता नहीं था उधर, मगर अभी तुम आ गया तो अपने को चावे पीने के लिए आना तो पड़ेगा ना, बराबर। अरे मतलब तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। अरे यार भाभी बोलता गाय को नहीं यार, वो थोड़ा शर्माती है। साला अपुन ही बेशरम आदमी है ना। ए जमुरा, चाय लाओ, कॉफी लाओ, नाश्ता लाओ। अरे अपुन का भाभी आ रहा है। बाप भाई। मतलब तुम्हारे पार्टनर को लाइफ पार्टनर मिल ही गई, और एक तुम हो जो लाइफ में कभी सीरियस नहीं हो सकते। अरे कूल बेबी, अपुन ने भी डिसाइड कर लिया है, अभी ये छोकरी लोग के साथ में पकड़म पकड़ी छोड़म छाड़ी छोड़ दे रहेगा क्या? और तुम्हारा भी अगर किसी के साथ में पकड़म पकड़ी है ना, वो छोड़ दो अभी, फिनिश। मैंने तो पकड़म पकड़ी ही की है, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ। फैंटास्टिक बेबी जॉनी। देखना डैडी, एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि नोटों का समंदर बनाऊंगा। उस समंदर में लहर आएगी तो नोटों की, तूफान आएगा तो नोटों का। फिर डैडी उस समंदर के अंदर मैं आपको उठा के फेंक दूंगा। आपको तो तैरना भी नहीं आता तो आप तड़पेंगे, मछली की तरह तड़पेंगे। कभी इस लहर पे जाएंगे, कभी उस लहर पे, कभी 2 रुपए की लहर पे, कभी 5 रुपए की लहर पे, कभी 10 रुपए की लहर पे, कभी 100। बिलियन की फाइट। एक दिन सारी दुनिया की जबान पे एक ही नाम होगा, साइंटिस्ट जैकब बकाब। जैकब बकाब। ये आप क्या कर रहे हैं डैडी? लड़कियों की तस्वीरें देख रहे हैं और वो भी इस बुढ़ापे में? मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है। अबे उल्लू के पट्टे, ये लड़की शहर में बगैर कपड़े के पकड़ी गई है। हिंदुस्तान में गरीबी इतनी बढ़ गई है डैडी के लोग अब बगैर कपड़ों के ही घूमेंगे। और ये लड़की नहीं, जल परी है, जल परी डैडी, जल परी। हे भगवान, इसके दिमाग का जल्दी इलाज कर वरना ये पागल। मेरे दिमाग का इलाज नहीं, मैं इस दुनिया के दिमाग का इलाज करूंगा। मैं इस दुनिया को बताऊंगा ये लड़की नहीं, जल परी है, जल परी। मैं साइंस वालों को बताऊंगा ये लड़की नहीं है। सर सर, ये लड़की नहीं है, ये जल परी है। सर जल परी, सर ये जल परी है, लड़की नहीं। मुझे मेरे अपने बाप के बेटे होने पर शक हो सकता है, मगर इसके जल परी होने का बिल्कुल शक नहीं है सर। मगर अखबार में जो तस्वीर छपी है वो एक लड़की की है। हाँ, वो बगैर कपड़ों में पाई गई है, वो जलपरी नहीं, वो पूरी औरत है। नहीं सर, वो पूरी औरत नहीं है सर, वो आधी औरत है और आधी मछली। मैंने इसकी शक्ल को अपनी आंखों से देखा और मेरी आंखें तो धोखा खा ही नहीं सकती सर। तुम्हारा मतलब है समुंदर से निकली और पांव आ गए और उसकी पूंछ गायब हो गई। और समुंदर में जाते फिर से जलपरी बन जाती होगी। हाँ सर, वो जब पानी में रहती है तो मछली बन जाती है, उसकी पूंछ आ जाती है, जब वो पानी के बाहर आती है तो उसके पैर आ जाते हैं, वो लड़की। मतलब मैं उसके पैरों पे पानी डालकर उसे मछली बना सकता हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी। मालिक, मेरी नारंगी ने आपकी नारंगी को अलग अलग रंग में बदल दिया है, आप देखेंगे तो आपकी हवा निकल जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपने हुस्न की तलवार मियान से निकाले ऊपर आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ऊपर जाएंगे ना तो नीचे नहीं उतरेंगे। जय बजरंग बली, इनकी रक्षा करना घूम घाम के। आज
कुछ हद से गुजर जाना मगर आहिस्ता 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 मेरे दिल में उतर जाना मगर आहिस्ता 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 पानी बन जाएगी मछली। कहाँ आग लगी है? सारे शहर में। इंस्पेक्टर जल्दी बताओ इंस्पेक्टर, मछली बन जाती है जलपरी। कह दीजा कह दीजा फरियादी वो जलपरी निकालो जलपरी। मेरी पब्लिक छोटे छोटे अखबारों में मेरे बड़े बड़े फोटो छपेंगे। मैं मछली बनाऊंगा, लड़की की टांग में पानी डालूंगा, मछली बनाऊंगा। इंस्पेक्टर मैं मछली बनाऊंगा। A for apple, B for butterfly, C for cat, cat का मतलब D for dog. Wow, wow. Very good. E for elephant. Very good. F for F for fish. मछली, मैं fish. तुम जी, G for girl, मतलब लड़की. मैं fish. F for fish, G for girl. नहीं, तुम लड़की, fish, पानी में मछली. तुम girl, लड़की. मैं fish girl. अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। ये क्या? ये फूल, गुलाब का फूल। गुलाब? हाँ, मोहब्बत में से देते हैं। मोहब्बत फूल लो। आउच आउच। हाँ, जब कभी दर्द होता है ना तो आउच कहते हैं। आउच। हाँ आउच। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हाँ यही दर्द आउच। अब तुम मुझे काटो। आउच। हाँ आउच, यही है आउच।
तुम भी। उफो, क्या कर रहे हो तुम? अरे रोमांस बेबी रोमांस। ऐसा रोमांस तुम कब तक करते रहोगे? टिल द एंड, यू नो। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा? अरे ऐसा कैसा चलता रहेगा बेबी, अपुन तुमको अपना बच्चे का माँ बनाएगा, तुम्हारा बच्चा अपुन को उसका बाप बनाएगा, माँ बाप बच्चा पैदा होएगा, फैमिली लाइक। उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है? ये तो क्या समझा रहे मेरे को, सब मालूम है क्या? बहुत प्रैक्टिस है अपने को। प्रैक्टिस? इससे पहले कितनी बार शादी कर चुके हो तुम? देखो बेबी, प्रैक्टिस के लिए शादी का जरूरत थोड़ी होता है। हा? वो क्या है, लड़का लड़की थोड़ा। जॉनी, क्या क्या बोल रहे हो तुम? देखो बेबी, तुम बहुत इनोसेंट है, ये सब चीज का टेंशन काहे को लेता है खाली पॉकेट में, लो ना। अच्छा जॉनी, तुम ये बताओ कि तुम मेरे मम्मी डैडी से कब बात करोगे? बात? मम्मी डैडी? मैं? कौन सा बात? अपनी शादी की बात। शादी? शादी की बात? जॉनी, एनी टाइम यार, एनी टाइम। डरता क्या? लेकिन जॉनी, मेरे मम्मी डैडी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत कड़क हैं। अरे बेबी, कड़क चीज को नरम करने का जॉनी का स्पेशलिटी है, कूल। अपुन तुम्हारा मम्मी डैडी का सामने ऐसा जाल फेंकेगा ना, उन लोग बोलेगा अरे अपना बेटे का लिए जॉब ही से अच्छा सन इन लॉ वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारा मम्मी खुद बोलेगा ये लड़का अपुन को काहे को नहीं मिल गया 20 साल के लिए। जॉनी, हमेशा मजाक करते रहते हो। एनीवे, यू आर वेरी स्वीट। मैं कल अपने मम्मी डैडी को तुम्हारे घर ला रही हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू। कल टुमारो, इट्स टू सून, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तुम कह रही थी मैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है? माँ माँ माँ, शिट, माँ 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 माँ, शिट शिट शिट। तेरा नाम आओ मेरे पास, आओ मेरे पास आओ। शाम मिठाई खाओ। मैं यहाँ मिठाई खाने नहीं, बेटी का रिश्ता तय करने आया हूँ। शाम आपको सब मालूम है, हम आपको इसके लिए मिठाई खाने को बोलता है तो कोई भी बात नहीं हुए। तो क्या मैं घर से नीम के पत्ते खा के आया हूँ? इडियट, जाओ अपने मालिक को बुला के लाओ। वो अंदर कमरे में तैयार होता है, शाम अभी बुलाता है। माय मान इज जॉनी, यू नो मी, ये आपको बेटी से शादी बनाएगा। खुद जॉनी साहब, आपका वाला छोकरी आया, अपना मां-बाप को भी साथ में लाया। अबे इतना जल्दी कहां से आ गया यार? अबे तू तू मिठाई खिला, मैं भी आता हूं। एक किलो खिलाया साहब। अरे यार और खिला दे, दो, हां तीन चार दुकान खिलाएगा साहब। Hi, good morning, good morning, good morning. I'm sorry, Janab, unko tayar hone mein deri ho gayi. Yeah, yeah, this is aapka daddy aur ye hai aapka mummy. Good morning, daddy. Good morning, mummy. This is Johnny. Yeah, please bethe, have a seat. Yeah, please. देखा, आप उन्हें एकदम खुला आदमी है, इसीलिए डिस्कशन भी एकदम खुला खुला करेगा, कोई बात छुपा के नहीं रखेगा, एकदम ओपन। यह आप उनका दिल में जो बात है आप उनका जबान पे आता है, और आप उनका जबान का बात सामने वाले का सीधा कान का ऊपर आता है, राइट? यह ये फोटो आपका छोकरी ने खींचा, देखा इतना हैंडसम दिखाया हमको, आपका छोकरी भी अच्छा फोटोग्राफर बनता है, लेकिन बात ऐसा है कि आपका छोकरी को हमारा बारे में सब कुछ मालूम है, आप उनका जिंदगी, आप उनका घर, आप उनका बिजनेस सब जानता ही, ऐसा बात कोई नहीं है जो छुपाए, खुला बात है। आई एम ओपन, आई एम ओपन, जॉनी रियली, ये जॉनी, नीचे 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 क्या है बेबी, नीचे क्या है? नथिंग, नीचे कुछ नहीं है, सब लोग ऊपर देखता है, पूरा दुनिया ऊपर देखता है, साइंस टेक्नोलॉजी, आदमी मून पर पहुंच गया है और तुम अभी तक नीचे। नॉनसेंस, इडियट। वाह बेटी वाह, क्या रानी बाग का जानवर पसंद किया है, जिसे कपड़े पहनने का ख्याल नहीं, वो मेरी बेटी का क्या ख्याल रखेगा? डैडी, लेकिन यू शट अप यू स्टूपिड गर्ल, कम डैडी, डैडी, अरे डैडी, दो मिनट देरी होती मैं पैंट पहन लेता, आपने मेरी टांगों की कदर भी नहीं की। Thank you.
दिन पानी के अंदर देखा था, आज जमीन के ऊपर देख रहा हूँ। अब मैं इसको पकड़कर इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसकी बॉडी का एग्जामिनेशन लूंगा, अपने बाप का टेंशन दूंगा, फिर उसका रिएक्शन लूंगा, फिर एक्शन करूंगा, साइंस की दुनिया में नए नए फैशन करूंगा, साइंस के लोगों को सर्टिफिकेशन दूंगा। मैं जानता हूँ मेरा बाप कहेगा शट अप, मगर दुनिया बोलेगी जैकब बकअप, जैकब बकअप, जैकब बकअप, जैकब बकअप, जैकब। सब इंतजाम हो गया? यस सर। छोटा छोटा केला बेचते भाई, हमारे काबुल के अंदर कितना बड़ा बड़ा केला मिलता है, ये क्या केला है तुम्हारे पास, ये छोटा छोटा नहीं मांगता भाई, ये क्या है, ये क्या What's that? ये क्या केला है, बड़ा बड़ा केला मांगता है, ये छोटा छोटा। अरे क्या बाबा, गीला कर दिया पीछे से, कभी काला पठान का गोरा बेगम के पीछे से पानी डालता क्या करे? ये आपका बीवी है? हमारा बीवी नहीं तो तुम्हारे बाप का बीवी है? नहीं नहीं, मेरे बाप का तो इतना अच्छा टेस्ट है ही नहीं। वो देखो सारा, तुम इसका सब गीला कर दिया। आप बता दीजिए, मैं अभी स्त्री करवा देता हूँ। जब हमारा बीवी को केला खिलाता है तो डिस्टर्ब नहीं करना, छोड़ेगा नहीं तुमको। हम काला पठान है, डाली हाथ लगाओ। समुद्र की लहरों में मेरी यादें बसी हुई हैं। क्या यादें मीनाक्षी? तुम पहली बार मुझे यही मिली थी। मीनाक्षी, एक बार बचपन में मैं इसी समुद्र में डूब गया था, और दूसरी बार मीनाक्षी तुम तैरना जानती हो? तुम्हें तैरना आता है ना? तुम्हें पाने के बाद मैं फिर कभी डूबना नहीं चाहता, मुझे तैरना सिखा दो ना। चलो चलो मीनाक्षी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? बोलो। पहले ABC, फिर कैट, फिर डॉग। मतलब पहले ये। ओ मतलब मुझे शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। हाँ Thank you.
मीनाक्षी, 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 दरवाजा खोलो मीनाक्षी, क्या हुआ मीनाक्षी, 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 दरवाजा खोलो मीनाक्षी, मीनाक्षी, अरे मीनाक्षी क्या हुआ, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा था, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे पैर में कोई चोट तो नहीं आई ना, मीनाक्षी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, नहीं है, तुमको आंख दिखाएगा तो हम उसको काला बना देगा, तुमको हाथ दिखाएगा तो सारा ब्लूला कर देगा, पैर दिखाएगा तो उसको जंगला कर देगा, और कुछ दिखाएगा तो खुदा का कसम मार मार के उसका कीमा बना देगा, समझे ना, ओए हम नस्वार का डब्बी भूल के आया, नस्वार भूल के आया, हम खरीद के लाता है, तुम इधर से बड़ा 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 फ्रूट खरीदो, जाओ खरीदो, हम आते, फिक्र मत करो, हम आते है, मछली बन, जल्दी मछली बन, अरे मछली बन, पूछ निकाल, पूछ निकाल, जल्दी जल्दी पूछ निकाल, प्लीज हेल्प मी, निकाल, अरे पूछ निकाल मेरी माँ, अरे मेरी माँ से मछली बन, मेरी पुलिस से कोई अखबार में रखना छुपेगा, मछली बन, 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 जब देखो मेरे बीवी के पीछे पानी डालता है, पानी डालता है, ये बताओ तुम्हारे पास कितना पानी, एक बार पानी डालो, किसे खत्म करो, जब भी देखो पानी डालता है, अरे पानी डालता है, हिलो हिलो हिलो, रुकेगा तो बहुत मारेगा साला, बहुत मारेगा, अब तुमको देखो, जब भी हम फ्रूट खरीदेगा पीछे से पानी मत डालो, पानी मत डालो साला, चलो डार्लिंग, ओ शंकर, अरे शंकर, शंकर जॉनी, हाँ बैठ बैठ बैठ, अरे बैठने का नहीं, तू उठना यार, अरे बैठ यार, तू उठना यार, उठना, क्या यार, क्या बात है, सवेरे सवेरे बहुत चाहिए यार, अभी लेट नाइट बहुत हो गया, सुबह जल्दी उठने का आदत डाला मांगता है कि नहीं, ब्लेसिंग है ना, ब्लेसिंग, अरे ये, अरे ब्लेसिंग देना, ये क्या तमाशा है यार, तमाशा नहीं यार, देख अभी देख, तेरे को लाइफ पार्टनर मिल गया राइट, अभी मेरे को भी लाइफ पार्टनर मिल गया, अपुन को लगता है ऐसा, डेफिनेट नहीं है, अभी ज्यादा खुश नहीं हो रहा है, अभी क्या है ना, अपुन को लगता है लाइफ में सेटल होना मांगता है, थोड़ा एक दूसरे का ओके, फैमिली घर बिजनेस कुछ, लाइफ में सेटल होना मांगता है कि नहीं, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक थोड़ा सेटलमेंट होना चाहिए ना लाइफ में, अरे चुप, क्या ये क्या, क्या अंगूठी है और क्या, हां मालूम है अंगूठी है, मगर काय की अंगूठी, सोने की है यार, अरे सोने की तो है, ठीक है यार, देख अभी क्या है ना, सुबह अपन वाचनंद ज्वेलर के पास गया राइट,
उधर दो अंगूठी देखा, मैचिंग होता था, मैं बोला ले लिया एक उसके वास्ते एक मेरे वास्ते, घर पे आया उसको पहनाया अपना बनाया, उसने मेरे को पहनाया उसका बनाया, सीधी बात है सिविल एंगेजमेंट। सिविल एंगेजमेंट और क्या, देख अभी सिविल मैरिज कैसा होता है हा? वैसा है सिविल एंगेजमेंट, चुपके सुमड़ी में कुप्चे में जाके अपना अकेले का एक दूसरे का हो जाने का, बस टेंशन मेंशन कुछ नहीं। पागल, सिविल एंगेजमेंट, अरे पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए मेरे भाई की एंगेजमेंट हुई है। दुनिया छोड़ना यार, क्या एक पार्टी दूंगा मैं, जहाँ खाना पीना नाचना गाना सब कुछ। ये बात बोला ना तूने, station I had a temptation and made a clarification that the matriculation examination is a major botheration to the Indian nation, so with emancipation and pontification the best occupation is proxenosony hilipilification. Say what? You got it honey, give me a break. Take it away. Yahi to umar hai diwano jhoomne gaane ki, kisi ki nashili nazar mein doob jaayegi. यही तो उम्र है दीवानों को झूमने गाने की, किसी की नशीली नजर में डूब जाएगी. मेरा करो ऐ दुबा टाइम करो ना देखा, तो आज सारी रात Thank you.
अनाफे शराबे बनाने आई हूँ जवानी के मैं हूँ बहार तो इंतरो न बेटा बहुत सारी रात आज सारी रात नाचो मेरे साथ नाचो मेरे साथ आज सारी रात नाचो मीनाक्षी देखो ना जॉनी और मीना की सगाई हो गई कल उनकी शादी भी हो जाएगी अब हमें देर नहीं करनी चाहिए हमें भी शादी कर लेनी चाहिए शादी हाँ शादी हमारी शादी हो जाएगी ना उसके बाद हमारे बच्चे होंगे बच्चे वो देखो वो बच्चे मीनाक्षी कहाँ खो गई थी तुम क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती पसंद मैं प्यार शादी नहीं क्या मीनाक्षी को तेरा साथ शादी करने में इनकार है अचानक उसे क्या हो गया यार तुझे नाराज कर दिया होगा देख जैसा इस नवा नवा अमीर को मालूम नहीं होता है ना कि पैसे का यूज कैसा करने का वैसे ही नवा नवा आशिक को नहीं मालूम होता है कि मोहब्बत को हैंडल कैसा करने का यार तूने हैंडल घुमाने में गड़बड़ कर दिया होगा नहीं यार मैंने कोई गड़बड़ नहीं की कसम से अरे घबराता काय को यार अपुन का पास छोकरी लोग को लाइन पे लाने का हर सिग्नल का कंट्रोल रूम है अपुन अपना होने वाला भाभी को अपुन का स्टाइल में समझाएगा मनाएगा और तेरा साथ शादी करने को राजी करेगा सच अरे यार इतना नहीं तेरा और उसका बीच में गड़बड़ कौन सा गड़बड़ का वास्ते हुआ वो भी अपुन बताएगा कूल
असलियत क्या है? क्या पुण्य जो अभी अभी देखा वो तेरा असलियत है? मतलब तू इंसान नहीं, इंसान का माफिक दिखने वाला एक मर्मिड है? आधा मछली आधा? क्या शंकर को मालूम है कि तू इंसान नहीं? के बाद तेरे पैर, मगर तेरे को पानी में से निकलकर आदमी लोग का बस्ती में आने का जरूरत क्या था? क्यों? वो भी तुम्हारे एक आदमी के साथ? ये नहीं हो सकता है, तुम दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। फिर ये प्यार काहे को? ये प्यार का अंजाम क्या होएगा? शंकर को जब भी तुम्हारा ये असलियत का मालूम होएगा तो वो बेचारे का हाल क्या होएगा? सोचो जरा, वो तो बेचारा मर जाएगा ना। तुम अगर उसको सच्ची में प्यार करता है ना तो उसका जिंदगी से प्लीज दूर चला जाओ, चला जाओ उसका जिंदगी से। Please, go away. Hey Johnny, कब आया तू? ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? वो लड़की तेरा लायक नहीं है दोस्त, वो लड़की में बहुत गड़बड़ है। क्योंकि वो हमारी जबान नहीं जानती? नहीं दोस्त नहीं, वो लड़की अपुन लोग का। यही ना, जिस लड़की का कोई धर्म नहीं, कोई खानदान नहीं, उस लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? यार अभी अपुन तेरे को कैसा समझाएगा कि मीनाक्षी अपुन लोग का? भाई चाहे मेरी मीनाक्षी कैसी भी हो, उसका गुजरा हुआ कल, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं जानता दोस्त। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तेरे को उसका बगैर जिंदा रहना होएगा दोस्त, समझ ले तेरा जिंदगी से चला गया। अपुन ने उसको बोला क्या? क्या कहा तूने? कहा है मेरी मीनाक्षी, तू होता कौन है उसे मेरी जिंदगी से दूर करने वाला? हा देख दोस्त, जल्दी बता दे कहा है मीनाक्षी, वरना दोस्त, दोस्त तेरी सर की कसम, तेरे सर की कसम दोस्त, मेरी जान निकल जाएगी। ऐसा मत बोल यार, ऐसा मत बोल। तू तो अपुन का जान है यार, अपना दोस्त है, अपुन का भाई है तू। अपुन तेरा बुरा कैसा सोच सकता है यार? लेकिन तू समझता नहीं यार, वो लड़की तेरा लायक है। तुम तो यही हो, मैं समझा था तुम। मगर मीनाक्षी तुम मेरे पास हो। मीनाक्षी भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस जॉनी ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। देखो ना मीनाक्षी, देखो ना मेरे हाथ कितने ठंडे हो गए और मेरी दिल की धड़कन कितनी बेकाबू हो गई है। अगर थोड़ी देर और तुम मुझे ना मिलती तो शायद जॉनी, मेरे दोस्त, ऐसा बुरा मजाक मेरे साथ फिर कभी मत करना। चलो मीनाक्षी ऊपर चलते हैं।
अब उन चर्च में जाने वाला छोकरा लाइफ में फर्स्ट टाइम मंदिर का अंदर आया और जूता बाहर उतार गया है। बाहर उतारा जूता, तेरे को मालूम है अपन काय के लिए आया है? अब उनका दोस्त का वास्ते, अब उनका दोस्त शंकर, जिसका तुम शंकर भगवान है, पर वो अब उनका दोस्ती का भगवान है क्या? अरे सजाइश देने का था तो अब उनको देता ना। अब उनको छोकरी से प्यार करता और अब उनको मालूम पड़ता कि वो छोकरी छोकरी नहीं है, मछली है, तो अपन समझता। पर तू सजा दिया भी तो किसको? वो जो कभी पापिच नहीं किया। देख, पहला पहला प्यार का चोट बहुत खराब होता है। शंकर को जब भी मालूम पड़ेगा वो छोकरी छोकरी नहीं है तो वो मर जाएगा। अब उनका दोस्त को बचा ले भगवान, अब उनका दोस्त को बचा ले। तू भगवान है, तू उसको बचा ले, उसको बचा ले तू। वो अपना सब कुछ है, अब उनका भाई है वो, तू उसको बचा ले प्लीज। मीनाक्षी, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर शादी से इनकार क्यों? शादी शादी क्या, मैं प्यार 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 की भी एक मंजिल होती है और वो है शादी। We'll be right back.
बन गई है। क्योंकि तू मेरे दिल की धड़कन बन गई है, क्योंकि तू मेरे दिल की धड़कन बन गई है, और ये तन्हाई मेरी दुश्मन बन गई है। मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, तू मेरे बिन जी नहीं सकती। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं, बचपन में हमने नानी दादी से कई परियों की कहानियां सुनी होंगी, उनमें से एक मरमेड यानी जलपरी की भी कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हमारे पास एक जीता जागता नमूना है। बचपन में मैंने भी एक जलपरी की कहानी सुनी थी सर, बरसों पहले अमेरिका में भी एक मरमेड पाई गई थी, इजिप्ट में भी ऐसा किस्सा हो चुका है, गोवा में तो मरमेड का जोड़ा पाया गया था, लेकिन सर फर्क इतना था कि उसका ऊपर का धड़ मछली का और नीचे का इंसान का था। लेकिन सर मैंने जिस मछली को ढूंढ निकाला है वो आधे धड़ की लड़की और आधे धड़ की मछली तो है ही, मगर सबसे बड़ी खूबी ये है कि पानी लगे तो मछली बने, सूख जाए तो पैर निकल आए। अब तो मेरा सारी दुनिया में नाम होगा, साइंस के हर इंस्टीट्यूट में मेरा जिक्र होगा, साइंस की हर किताब में मेरा फोटो होगा, दुनिया कहेगी जैकब पकअप, जैकब पकअप, जैकब पकअप। डोंट बी एक्साइटेड, उसका जलपरी होना दुनिया की साइंस के लिए एक चैलेंज है। हाँ, जमीन पे वो लड़की और पानी में वो जलपरी, ये हमारी समस्या है। हम रिसर्च करेंगे, हम उस पर तजुर्बा करेंगे। आप कल सब लोग ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। लेकिन सर मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है इस ऑपरेशन से उसकी मौत भी हो सकती है। आई बेग योर पार्डन, इस ऑपरेशन से साइंस को एक नया तजुर्बा मिलेगा। हाँ, अगर वो मर गई तो उसमें भूसा भरवा कर म्यूजियम में रखवा देंगे, मगर ऑपरेशन जरूर करेंगे। तुम फिक्र मत करो रिचर्ड, तुमको तुम्हारा म्यूजियम के लिए जल परी मिल जाएगा, उसके लिए $50,000 तुमको रेडी रखना होगा। हम रिसर्च करेंगे, हम उस पर तजुर्बा करेंगे। आप कल सब लोग ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। लेकिन सर मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है इस ऑपरेशन से उसकी मौत भी हो सकती है। इस ऑपरेशन से साइंस को एक नया तजुर्बा मिलेगा। हाँ, अगर वो मर गई तो उसमें भूसा भरवा कर म्यूजियम में रखवा देंगे। मीनाक्षी को नहीं भूल सकता, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई दोस्त। देख यार, इंसान दुनिया इंसान लोग के साथ बसाता है, मछली के साथ नहीं। जॉनी, वो जो भी थी जैसी भी थी मेरी मोहब्बत थी दोस्त, मेरी चाहत उसे उसे समुद्र की गहराइयों में से खींचकर जमीन पर ले आई। यार देख तू, और चाहत को बचाना आपका फर्ज है,
हराम सादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो चाहो सजा दो, मगर इस वक्त उसको बचाना बहुत जरूरी है, वरना साइंटिस्ट लोग अपने तजुर्बे की छुरियों से उसे जान से मार देंगे। उसे बचा लो प्लीज, उसे बचा लो। कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। टू द ऑपरेशन थिएटर। ओके सर। नीचे छुप जाओ, नीचे। साइंटिस्ट लोग पहुंच गए। वो मछली है ना, लड़की मछली, मैंने पकड़ा उसे, तुम्हें मालूम है कि नहीं? हाँ,
सब क्या हो रहा है? डोंट वरी सर, दिस गर्ल वैन में है। ओह, शी इज इन द वैन। हाँ, आइए सर। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां से चली जाओ मीनाक्षी, यह दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम अपनी दुनिया में चली जाओ मीनाक्षी, यह तुम्हें मार डालेंगे। मीनाक्षी जाओ, तेरे बिन कैसे जीना। चली जाओ मीनाक्षी। नहीं मीनाक्षी, चली जाओ यहां से। तेरे बिन कैसे जीना मीनाक्षी। वो लोग हमारे करीब आ गए मीनाक्षी। मीनाक्षी चली जाओ यहां से, जाओ मीनाक्षी। प्यार, तुम प्यार नहीं। नहीं मीनाक्षी, क्योंकि मैं फिश गर्ल नहीं। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है मीनाक्षी। तुम प्यार नहीं, मैं प्यार। प्लीज चली जाओ यहां से। आज दर्द रुक जाओ डैव्यू, स्टॉप इट, स्टॉप इट। जंप शंकर, शंकर जंप। तुम लोग इसको मार डालेगा शंकर, लेकर चला जाओ उसको। जंप। Thank you.
का तू मेरे बिन जी नहीं सकती।